सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू सीरीज जिसके अंदर हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन गेमर्स की मोमेंट्स, क्लचेस और बेस्ट माइंडेड मोमेंट्स के ऊपर। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले यस मैडपाई के टॉप बेस्ट क्लचेस पे। उन पर रिएक्ट करने के साथ साथ हम उनको इन रियलिटी ट्राई करने वाले हैं माइंडेड में, तो देखते हैं ये पॉसिबल हो पाते हैं क्लचेस हमसे कि नहीं। तो यहाँ पे स्ट्रीमर्स इन्फो की वीडियो है टॉप 10 न्यू क्लचेस इन हिमलैंड्स, तो इसको देखते हैं। नंबर 10 तो फिर यहाँ पे ये एक पार्कोर कॉम्पिटिशन की वीडियो है जिसमें ये स्मार्ट बाइक को हवा में भेज दिया वो एकदम फुल। ये वाई एक्सेस की 1000, मतलब उसको 1000 ब्लॉक्स ऊपर से वाटर बकेट से एमएलजी करनी है वर्ल्ड के टॉप हाइट से भी ऊपर से टॉप बॉटम तक। देखते हैं ये वाटर बकेट एमएलजी थी जो कि पूरी की पूरी ये बहुत पॉपुलर है एमएलजी, तो ये मैं ट्राई करके देखता हूँ। मैं ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला, 1000 तक पहुंचने में हो सकता है टाइम लगता है और वहां से फिर इतना बढ़िया दिखता भी नहीं है व्यू, तो मैं सिर्फ 500 ब्लॉक्स ऊपर जाने का ट्राई करता हूँ। फिर मैं भी अपना F3 दबा देता हूँ ताकि मेरे को भी यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दिख जाए। अभी मैं हूँ 278 पे, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता रहता हूँ। 500 तक पहुंचेंगे, उसके बाद सर्वाइवल करके हम नीचे वाटर बकेट एमएलजी करने का ट्राई करते हैं। ये 400 तो पहुंच गया, और राइट सर यहाँ पे मैं 500 पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना सर्वाइवल करता हूँ। अरे ये तो एडवेंचर हो गया, सर्वाइवल सर्वाइवल हो जाए, एक सेकंड क्रिएटिव करके सर्वाइवल। ठीक है, यहाँ पे वाटर बकेट हाथ में है मेरे, तुम ये गया मैं सीधा पेट्रोक तक। ये तो नहीं हो पाई फर्स्ट ट्राई में, तो किसी से नहीं हो पाती। मेरी वाटर बकेट शायद से वहीं पे गिर गई है, बोली थी क्या तुम वहीं गिरी है ना, तेरी किधर गिरी थी। अरे मैं फिर से गिर गया, कोई बात नहीं, ये वाला क्लच तो हमसे नहीं हो पाया, अगला क्लच देखते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लच की तरफ। तो हमारा ये क्लच तो हमसे फेल हो गया, तो नेक्स्ट क्लच देखते हैं कि नेक्स्ट क्लच हो पाता नहीं हो पाता। नंबर 9 व्हेन हीरो ब्रायन यूज्ड इट्स 100 IQ। ये तो मेरे को लग रहा है कोई फनी मोमेंट या फिर कोई क्लच नहीं है शायद से, ये कोई फनी मोमेंट है, एक बार देखते हैं। नहीं ये तो एक फनी मोमेंट है, ये कोई क्लच मोमेंट नहीं है, तो इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि ये देख रखा है हमें, तो क्लच मोमेंट्स देखनी है तो क्लच मोमेंट्स भी सीधे करते हैं। यहाँ पे तो कोई क्लच नहीं है, सिर्फ एक फनी मोमेंट है हीरो ब्रायन और ड्रीम बॉय की। वाटर एमएलजी इन नेदर, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये खाली हिमलैंड में पॉसिबल हो पाई थी, वो भी एज़्योर टीम ट्रिप ने की थी बिकॉज ऑफ मोड्स ओनली, इसको भी स्किप करना पड़ेगा। नंबर 7 तो यहाँ पे यस माड़े भाई एक पोर्टल के बाहर है, इस पोर्टल से अंदर एंटर कर रहा है और तभी यहाँ पे नेदर में पहुंच चुका है। यहाँ पे इसको किसने धक्का मारा और ये इसके हाथ में लैडर, और ये लैडर एमएलजी, ये पॉसिबल है, इसको ट्राई करके देखते हैं बाकी एमएलजी पॉसिबल होना हो, ये तो बहुत पॉसिबल है। अरे अरे ये क्या हो गया, गिर गया, कोई नहीं। क्रिएटिव सर्वाइवल लैडर्स, मेरे पास 3 लैडर है, 1 ठीक है, लग जा लग जा लग, ठीक है। तो लैडर एमएलजी तो इजी है, ये तो किसी से भी हो जाती है। नेक्स्ट क्लच देखते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर कि यहाँ पे एक स्ट्राइडर्स की यहाँ पे पूरी पूरी लाइन लगी हुई है जहाँ से ये क्रॉस कर रहा है, ये शायद से कोई ब्रिज है स्ट्राइडर का, पे बोट हाथ मिली यहाँ पे। ये तो कोई क्लच नहीं हुआ है सीरियसली, क्योंकि इसके लिए मेरे को सारे के सारे स्ट्राइडर्स को ऐसे लाइन में रखना पड़ेगा, और ये तो माइंड चार्ट का भी लॉजिक है कि अगर मैं बोट से जाऊंगा तो मैं इजीली वहां से पहुंच ही जाऊंगा लाइन में, ये तो क्लच हुआ नहीं। अगला देखते हैं। ओके यहाँ पे ड्रीम बॉय किसी से बचने का ट्राई कर रहा है, इसके क्लोन से, इसके हाथ में वाटर बकेट भी नहीं है, यहाँ पे बैड ट्रिक। ओके
ट्रिक मोस्टली लाइक हेबल ट्रिक होती है जो कि हमारा हाफ या फिर 80% का डैमेज रिड्यूस कर देती है शायद से, तो फिर इसको ट्राई करके देखते हैं। लेकिन इससे भी हमें डैमेज पड़ता है, ये कोई ऐसी एमएलजी नहीं है कि आपको एकदम फुली रिकवर कर देगी। यहाँ पे बैठा है मेरे हाथ में, ये तो बहुत इजी है सर्वाइवल, और ये कर ली, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट एमएलजी पे पढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्लच पे। नंबर 5 के यहाँ पे रेड डेवल और ग्रीन डेवल ये स्मार्ट पे से पीवीपी करते हुए, ये स्मार्ट पे बचते हुए के गोल्डन कैरेट खाकर हेल्पफुल करते हुए। इसके हाथ में इंटरपल है, ये तो मेरे ये भी क्लच कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ पीवीपी के टाइम पे काम आता है। अगर आपके फ्रेंड्स मान लो आप पे अटैक कर रहे हैं तो आप इजीली वहां से पल मार के क्लच कर सकते हो, लेकिन हम सिंगल प्लेयर कर रहे हैं तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। व्हेन यू डू -100 IQ क्लच, -100 IQ, ये कोई IQ वाला नहीं है, इसको भी स्किप करते हैं। यहाँ पे शायद से सैंड ट्रिक है जो कि मोस्ट पॉपुलर ट्रिक में से एक है, तो सैंड ट्रिक देखते हैं। ओके, ये तो मैंने भी बहुत बार देख रखी है, ये तो मोस्ट पॉपुलर थी। ये शायद से टेक्नो ब्लेड या फिर ड्रीम ने ट्राई की थी फर्स्टली, पता नहीं किसने ट्राई की थी, लेकिन शायद से मोस्ट पॉपुलर टेक्नो ब्लेड ही वैसे हुई थी। अब मैं अभी सैंड ले लेता हूँ इन्वेंट्री में और हम क्लच करने का ट्राई करते हैं। फिर वॉल का पूरा ब्रिज बना रखा है, नहीं हो पाई, ये बड़ी हार्ड हार्ड होती है, मेरे को पूरा कॉन्सेंट्रेट करके ऐसे फेस करना होता है वॉल को और उसके साइड में लगाना होता है। ये देखो ये सैंड ट्रिक तो काफ़ी हार्ड है, ये तो हम बाद में कभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी अच्छे से, तब जाके ही हो पाएगी, इतना इजीली नहीं हो पाएगी। तो ये एमएलजी भी हम कहेंगे फेल है जब तक आप प्रैक्टिस ना करो, इसके लिए प्रैक्टिस ही चाहिए होती है। ठीक है नेक्स्ट क्लच देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं हवा में, और स्ट्रिंग से क्या करना होगा यहाँ पे। ओके यहाँ पे 40 प्लैंक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे इसने 8 बोट्स बना ली, मतलब स्ट्रिंग के ऊपर बोट रख कर के एक वन बाय वन जाना पड़ेगा और वहां तक पहुंचना पड़ेगा। ये सीरियसली ये बहुत एपिक क्लच में से एक है, बट बहुत प्रैक्टिस की हो अगर आपने बोट क्लचेस की तो ही आप ये कर पाते हो। ओके हम ट्राई करके देखते हैं, मेरे को सीरियसली पता है ये बहुत हार्ड है, वन ट्राई में तो नहीं होने वाला, फिर भी जब मैंने कहा ही है कि ट्राई करेंगे तो करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग के प्लेटफॉर्म पे, एक ही करके क्यों लूँ, एक ही करके लूंगा टाइम ही लग जाएगा, कहूँगा तो कमांड लेते हैं स्लैश गिव @p port9। ओके यहाँ पे बोर्ड्स आ चुकी हैं, इसको ट्राई करते हैं। ओके 1, अरे ये क्या हो गया, मैं तो बोर्ड से नीचे आ गया, ये तो फेल क्लच हो गया एकदम। इस बोर्ड को तोड़ के वापस कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ गए दोबारा से प्लेटफॉर्म पे, दोबारा से ट्राई करते हैं। 1 2 2 लग जाती है, थर्ड पे दिक्कत होती है, मैं हाफ हट पे बचाऊँ, लिटरल हाफ हट का और डैमेज होता है, मैं रिस्पॉन हो जाता। ओके एक बार नॉर्मल बोट क्लच ट्राई करूँ क्या, हो पाएगा कि नहीं, अच्छा हार्ड ही होता है। 1 2 3 नहीं, फेल फ्रॉम हाई प्लेस। तो ये वाला भी क्लच बहुत एपिक था, लेकिन हमें प्रैक्टिस की जरूरत होगी, इतना इजीली ये खाली क्लच गॉड से कर सकते हैं टेक्नो ब्लेड या स्मार्ट पैड ड्रीम टाइप लोग। सो नेक्स्ट क्लच है देखते हैं, नंबर 2 के यहाँ पे वाटर बकेट है दो और ड्रिप स्टोन है, ड्रिप स्टोन से तो कोई एमएलजी नहीं होती। ओके थोड़ा सा आगे करते हैं, यहाँ पे वाटर बकेट एमएलजी करके, ये कहेंगे कि क्लच भी कर लिया उसने वाटर बकेट से और ड्रिप स्टोन से अपने एनिमीज को डैमेज भी दे दिया, तो ये पीपी जब आप कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ ये तब काम आ सकता है ये क्लच। जैसा कि मैंने पहले भी कहा सिंगल प्लेयर वर्ल्ड है तो ये भी हम ट्राई नहीं करने वाले, नॉर्मल वाटर बकेट मिल जी तो हम कर ही लेते हैं।
यहाँ पे गुलाल लाल ने यश माड़वाई को वार्ड में गिरा पल क्लच। ये तो पल क्लच भी बहुत इजी है, तो ये भी ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं, ये वेस्ट ऑफ टाइम ही होएगा। आगे देखते हैं, लगता है इतने क्लच थे, बाकी तो सारे सब्सक्राइबर मोमेंट्स है। तो दिस वॉज द लास्ट क्लच, नंबर 1 सॉरी। एक बार ही मैं ट्राई करना ही चाहता हूँ कि बोट है मिल, ट्राई करते हैं दोबारा से। ओके यहाँ पे बोट है मेरी इन्वेंटरी में थोड़ी सी बची हुई। 1 2 3 नहीं, 1 हट गया बच गया, लेकिन MLG नहीं कहेंगे इसको, मेरे को डैमेज लेना ही नहीं है। जब दोबारा से ट्राई करते हैं, यहाँ पे इन्वेंटरी में बोट रख के स्ट्रिंग पे नहीं करूँगा, पहले पता मेरे को स्ट्रिंग से रख ही दूंगा। ओके 3 2 1 और ये हो के, तो बोट MLG तो इजी है, वो तो हमने कर ली, सारे सारे क्लच हमने देख लिए। तो हाँ, तो फिर कह सकते हैं कि हमने पोर्ट क्लच कर लिया, हमने लैडर क्लच कर लिया और बेड क्लच किया। तो इस वीडियो में तो इतने क्लच थे, अब बाकी देखते हैं कि हमें कौन से क्लच मिलेंगे। यहाँ पे बोर्ड वाली थी, स्ट्रिंग पे हो ही नहीं पा रही है, कोई नहीं। तो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।